Welcome back, students. So today we are going to start with the topic that is cell division, or we can just say that this is the introduction to the cell division in your chapter. So the introduction to the cell division. Introduction to the cell division, and then we are going to deal with the differences between the plant and the animal cell. Okay, as you know, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसने मरना है एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल. Every living organism has to die. The truth of life is that death is certain. हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स, सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, एंड एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ स्पैन. जैसे कि रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज है, वाइट ब्लड सेल्स का अप्रॉक्सीमेटली, वाइट ब्लड सेल्स में बहुत सारे काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली देयर इज 7 डेज पर वीक से लेके 7 डेज का लाइफ स्पैन लेके, इससे ज़्यादा है, डबल है, समटाइम्स इट इज़ नियर अबाउट 100 डेज ऑल्सो, 7 डेज ऑल्सो. सो किसी भी सेल का जो लाइफ स्पैन है दैट वेरीज फ्रॉम द सेल टाइप टू सेल फंक्शन एंड अदर थिंग्स. ठीक है, बाकी सेल इंजुरीज होती हैं, सेल डेथ्स होती हैं, एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट फिनोमिनन्स ऑल्सो टेक प्लेस, जिसकी वजह से जो हमारा सेल है उसको डिवाइड करना पड़ता है. तो इसमें हम सिर्फ एक चीज से ही स्टार्ट करने वाले हैं, एज वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज असेंशियल टू मेंटेन the continuity of species so is cellular respiration oh sorry so is cell division. Jaise reproduction in organisms is essential process to maintain the कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज, वैसे ही सेल की लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, इसलिए हर सेल को एक फेज तक आके, ग्रोथ फेज तक आके, उसके बाद उसको डिवाइड करना पड़ता है. आफ्टर अटेनिंग सर्टेन ग्रोथ फेज, the cell enters the dividing phase. Cell division is also known as cellular reproduction. Cell division is a very important process for cell division is a very important process for repair and regeneration. वन मोर थिंग, जब हम इतना लिख ही रहे हैं तो एक और पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज सेल डिविजन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. Cell division requires a lot of energy. So that is all about the
सेल डिवीजन, बेसिकली सेल डिवीजन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस क्यों होती है. अब हम करने वाले हैं सेल डिवीजन के टाइप्स. देयर इज टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस एंड रिडक्शनल डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन. तो बेसिकली हम बात करते हैं इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस में, वन सेल फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स इक्वल इन क्रोमोसोम नंबर. दैट इज 2n. 2n का मतलब क्या है? डिप्लॉयड. रिडक्शनल डिवीजन, वन सेल रिजल्ट इन टू फोर डॉटर सेल्स. देयर इज रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर टू हाफ. जैसे पहले वन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे? 46 क्रोमोसोम्स, मतलब 2n क्रोमोसोम्स. तो ये डिवाइड होके आफ्टर डिवीजन कितने रह जाएंगे? 23 क्रोमोसोम्स. और वी कैन से द प्लॉइडी इज n. ये क्या होता है? दिस इज द प्लॉइडी. ये जो 2n और n लिख रही हूँ, 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड एंड n का मतलब होता है हैप्लॉयड. इक्वेशनल डिवीजन की बात कर लेते हैं पहले, फिर आएंगे रिडक्शनल डिवीजन पे. ओके, ठीक है. तो देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन सेल एज डिप्लॉयड नंबर. जो एक सेल है, जो डिप्लॉयड सेल है, 2n सेल है, 2n सेल इज द डिप्लॉयड सेल. जो 2n सेल है दैट इज हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है. और 46 क्रोमोसोम्स जब डिवाइड करके 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल ही बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन. तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, द क्रोमोसोम नंबर इन डिप्लॉयड सेल इज 46, इन हैप्लॉयड सेल इज 23. इन हैप्लॉयड का मतलब है हाफ कर दिया जब उसका, तो वो हैप्लॉयड हो गया सेल, हैप्लॉयड नंबर या हैप्लॉयड सेल. ठीक है. माइटोसिस में होता क्या है? बेसिकली माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होती है, मतलब मदर सेल में जो सेल डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं मदर सेल. जितने क्रोमोसोम मदर सेल में है उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे. दिस इज द इक्वेशनल डिवीजन. देखो, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती हैं. दीज आर द टू आर्म्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम. दिस थिंग इज द सेंट्रोमियर. अब ये सेंट्रोमियर है जो, दिस इज अ हैप्लॉयड क्रोमोसोम एंड दिस इज द डिप्लॉयड क्रोमोसोम, ठीक है. ऐसे करके मतलब ये सिंगल वाले जो होते हैं हमारे पास 46 होते हैं, या फिर वी कैन से 23 पेयर्स एक्स एक्स करके, जो हमें एक ह्यूमन नॉर्मल सेल के अंदर हमारे पास एक्स एक्स वाले 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. दीज आर द 23 पेयर्स. ओके, इक्वेशनल डिवीजन के अंदर क्या होता है? जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग. एक चीज देखो, दिस इज द मदर सेल,
दिस इज द मदर सेल. मदर सेल ने क्या करना है, डिवाइड होना है दो सेल्स के अंदर. तो ये जब डिवाइड हो जाएगी, इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे. दिस इज द मदर सेल. मदर सेल इज ऑल्सो डिप्लॉयड एंड दिस इज द डॉटर सेल्स. दीज आर ऑल्सो डिप्लॉयड. Thus, this kind of division is known as equational division or mitosis. ठीक है, तो क्या होता है कि एक सेल है, एक सेल पहले क्या करता है, ग्रोथ करता है, पहले ग्रो हो जाता है, पहले बड़ा हो जाता है. जब एक स्टेज पे आने के बाद वो बड़ा हो जाता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है. तो एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस. माइटोसिस इन एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. अब ये चीज आप समझ लो, ये चीज आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है. क्या होता है जब एक सेल ने माइटोसिस करनी होती है, एनिमल सेल ने, जब एक एनिमल सेल ने माइटोसिस करनी होती है तो उसके सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं सेंटर पे, अलाइन हो जाते हैं. अभी फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये दिखा रही हूं, ठीक है. यहां से क्या होती है, ये सारी स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होनी शुरू हो जाती है ऑन द बोथ इक्वेटर्स ऑफ द सेल. इक्वेटर्स के ऊपर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. फिर बाद में क्या होता है, ये टूट जाते हैं. हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स यहां पे रह जाता है, हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स यहां पे रह जाता है, हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स यहां पे रह जाता है, हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स यहां पे रह जाता है. बाद में क्या हो जाती है, इनकी कैरियोकाइनेसिस हो जाती है. दिस इज द न्यूक्लियर डिवीजन. दिस इज द कैरियोकाइनेसिस. बाद में इनकी क्या हो जाती है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है. साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है इंटू टू डॉटर सेल्स. ओके, दिस इज द प्रोसीजर इन विच बाय विच द सेल डिवाइड. माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में इसकी डुप्लीकेशन हो जाती है. पहले सेल क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं अपने जेनेटिक मटीरियल को, अपने क्रोमोसोम्स नंबर को, जिसकी वजह से इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं. इक्वेशनल डिवीजन होती है. इक्वेशनल मतलब मदर में जितने थे उतने ही बच्चों में है, ठीक है. बट इन द केस ऑफ मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इससे हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं. हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड इन, हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड इन गैमीट्स. गैमीट्स क्या होते हैं, हमारे स्पर्म्स एंड एग्स के अंदर क्या होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं. मियोसिस के थ्रू ये सेल्स फॉर्म होते हैं. ये मैं आपको बताती हूँ मियोसिस. अब हमारी माइटोसिस कंप्लीट हो चुकी है. माइटोसिस की डेफिनेशन सिर्फ इतनी थी दैट माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ डिविजन in which one mother cell give rise to two daughter cells of the same number of chromosomes as in the mother cells. This kind of division is known as equational division. Why? Because equational division mein mother ke paas jitne cells hai utne daughter ke paas mother ke paas jitne chromosomes hai utne daughter ke paas chromosomes hai. That's why this kind of division is known as equational division. Now the next kind is meiosis. Meiosis is known as reductional division क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, क्रोमोजोम नंबर इज हाफ्ड. हाल्ड लिखते हो ना आप, हाल्ड. ओके, क्रोमोजोम नंबर इज हाल्ड. नाउ सी, one mother cell in meiosis, one mother cell give rise to four daughter cells. पहले क्या होता है, जब एक सेल ग्रोथ फेज में पहुंच जाता है, ग्रोथ फेज में डिवीजन के अंदर एंटर करना होता है, मतलब सिंपल ग्रोथ फेज से जब एक सेल को डिवीजन फेज में एंटर करना होता है, तो अपना हर सेल, चाहे उसने मियोसिस करनी है चाहे माइटोसिस करनी है, हर सेल अपना जेनेटिक मटीरियल डुप्लीकेट करता ही करता है, ठीक है. बट इसीलिए मियोसिस के केस में हमारे पास चार सेल्स ऑब्टेन होते हैं, सारे हाफ.
मतलब पहले क्या होती है, सिंपली माइटोसिस हो जाती है, माइटोसिस के बाद दोबारा से सेल डिवाइड कर जाते हैं, जिससे इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है. मतलब दिस इज 46 क्रोमोसोम, 46 का मतलब 2n, एंड इन सब में क्या रह गए, 23 क्रोमोसोम्स रह गए. दिस काइंड ऑफ डिविजन इज नोन एज मियोसिस. मियोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिविजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड इन द डॉटर सेल इन कंपेरिजन टू द मदर सेल. मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे उससे हाफ डॉटर सेल्स में होंगे. दिस काइंड ऑफ डिविजन टेक्स प्लेस इन गैमीट्स, गैमीट्स ऑफ ह्यूमन सेल्स. एंड अदर मैमल्स, एग्जाम्पल, ठीक है, स्पर्म एंड एग कैसे फॉर्म होते हैं, मियोसिस से फॉर्म होते हैं. स्पर्म्स एंड एग्स, स्पर्म्स एंड ओवा आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मियोसिस. That was all about meiosis. अब देखो, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा, माइटोसिस होती है स्पिंडल फाइबर के थ्रू. एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं. स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सेल को, सेल को डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, एंड फिर वो दोबारा से डुप्लीकेट हो जाते हैं, दो सेल्स में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं. स्पिंडल फाइबर्स अलग करी हैं न्यूक्लियस को इन द केस ऑफ एनिमल्स. बट प्लांट्स के सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल डिविजन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. ये मैं आपको बताती हूँ. इन प्लांट सेल्स सेल डिविजन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट. In plants, cell division takes place by cell plate formation. क्या होता है? This is one cell. And this cell is divided into two cells. क्योंकि हमें पता है कि plants के अंदर सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है. पहले सेल प्लेट फॉर्म हो जाएगी, ये सेल वॉल फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, फिर इधर वाली साइड भी अलग से सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, इधर वाली साइड भी अलग से सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, एंड ये जो सेल वॉल है, सेल प्लेट है बेसिकली, वो सेपरेट आउट हो जाएगी, एंड इट विल रिजल्ट इन टू टू डिफरेंट प्लांट सेल्स. क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर हमें पता है, प्लांट सेल्स के अंदर या किसी भी टाइप के सेल के अंदर जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, उसकी जो डिवीजन होती है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट. दिस इज द सेल प्लेट. नाउ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंस. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट डिफरेंस इज इट do have a cell wall. It have a cell wall. Plant cell have a cell wall and animal cell do not have a cell wall. The next difference is plant cell has plastids.
एनिमल सेल्स डोंट हैव अ प्लास्टिड्स. प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल. एनिमल सेल हैव स्मॉल और नो वैक्यूल. अगर वैक्यूल की जरूरत है तो वो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा. और नो वैक्यूल. डिक्टियोसोम्स आर प्रेजेंट. गॉल्जी अपैरेटस इज प्रेजेंट. Last and the main difference is of centrioles are absent. Centrioles are the organelles that help in the spindle fiber formation, and centrioles are present. अब बाकी के जो डिफरेंसेस हैं वो सेकेंडरी डिफरेंसेस हैं. दैट सेल है, जो सेल शेप है प्लांट सेल के अंदर फिक्स्ड होती है, एनिमल सेल के अंदर फ्लेक्सिबल होती है. प्लांट सेल्स आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एनिमल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. बट दैट वॉज ऑल इन द केस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. इतने डिफरेंसेस, ये बेसिक डिफरेंसेस है. इसको एक्सटेंड करके जितने मर्जी डिफरेंसेस बना सकते हैं. नाउ द मेन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि, या ये भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स का भी आप पॉइंट लिख सकते हो कि मूवमेंट है जो वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स के अंदर मूवमेंट नहीं प्रेजेंट है. जो प्लांट सेल है वो डेड हो जाते हैं बाद में, और एनिमल सेल्स हैं वो लिविंग ही रहते हैं. ऑल द एनिमल सेल्स आर लिविंग. देन आप सेल डिवीजन का एक पॉइंट लिख लेते हो. लेट अस राइट द सेकेंडरी पॉइंट्स आल्सो. देयर आई विल राइट द प्लांट सेल, देयर आई विल राइट द एनिमल सेल. दे हैव फिक्स शेप. दीज आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. No locomotory organs. Stomata are present. Basically, stomata are present in the epidermis. Okay, you cannot write this point. Cell division takes place with the help of cell plate formation. यहाँ पे लिख सकते हो आप spindle fibers formation. locomotory या फिर जो locomotory organs हैं वो present होते हैं. इसमें जो है no starch granules are present. फूड स्टोरिंग ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. हमारे अंदर भी जो है फूड स्टोरिंग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, बट द फूड इज नॉट बेसिकली स्टोर्ड इन दीज ऑर्गेनेलीज. नो मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड स्टोरिंग ऑर्गेनेलीज. That was all about the difference between plant cell and animal cell. Now, हमारा जो last topic था
जिसमें हमने आपको बोला था कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस हम दोबारा से करेंगे। Okay, so the eukaryotic cell and the prokaryotic cell. The first difference is that of the nucleus. जो nucleus का difference है, this is the first difference that is present. The next difference is that of respiration. Then protein formation. Then cell division. Then ribosomes ka difference hai jo wo bhi present hai. Plasma membrane in every organelle, in every organism is same, but there is a difference in cell wall formation. So cell wall difference is there. Next difference is of locomotory organs. Usse next jo difference hai, that is of transportation. Difference of transportation. At last we have difference of photosynthesis ya fir autotrophic nutrition ka difference. Prokaryotic organisms, eukaryotic organisms. Nucleus. Nucleus in eukaryotic cell is advanced. In prokaryotic cell it is primitive. Respiration in eukaryotic organisms takes place in mitochondria. Respiration in prokaryotic cells takes place in the mesosomes. What are mesosomes? Mesosomes are the folding, inner foldings of the plasma membrane that increase the surface area for respiration. Then is protein formation. Protein formation takes place in ER and ribosomes inside the nucleus also. Baki cellular organelles ka difference to hai hi hai, examples bhi hai, but the extra points are this. Cell division takes place. Advanced cell type cell division hai, advanced, that is cell plate formation or spindle fiber formation. Ribosomes are ATS type. Ribosomes in the prokaryotic cells are 70S type. 70S type. The cell division is simply binary fission. Binary fission है या फिर multiple fission है in the case of prokaryotic organisms. अगर sexual reproduction takes place with the help of conjugation. Next point, the last point you can write about sexual reproduction. Sexual reproduction and then the examples. Ribosomes. Ribosomes are ATS type in eukaryotic cell, 70S type in the prokaryotic cell. Locomotory organs are advanced flagella. Advanced flagella. Inka jo flagella ya cilia hota hai, that is also primitive hair-like structures.
transportation. Transportation in prokaryotic organisms takes place simply by cyclosis. And eukaryotic cell में Golgi complex जो है वो help करता है transportation में. Golgi complex packaging and dispatching में help कर देता है cell signaling की help से भी जो eukaryotic cell में transportation होती है. Autotrophic nutrition. Basically autotrophic nutrition in prokaryotic organisms is chemosynthesis. Chemosynthesis होती है. अगर photosynthesis भी होती है तो chlorophyll are not present in chromochloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं है, सिंपली साइटोप्लाज्म के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, ओ सॉरी क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर्स लाइंग है. क्लोरोफिल जो है दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ओनली, जिसकी वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी है जो साइनोबैक्टीरिया है जो वो फोटोसिंथेसिस कर पाती है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और वी कैन से कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन इज नॉट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर एक ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होती है, बट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कोई भी ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन नहीं होती है. थस इट इज कॉन्जुगेशन एंड इट इज एब्सेंट. ऑल द एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया एंड इसके एग्जांपल्स है ऑल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. Sexual reproduction is true sexual reproduction is present. Okay students, so that was all about this chapter. Hamara ye chapter complete ho chuka hai. Tomorrow we are going to start with the next chapter. Thanks. Thank you everybody.